हेलो एवरीवन, आप लोगों को जैसे पता होगा कि 2 साल का बीएड जो है आप लोगों का हो रहा है, उसके साथ साथ में 4 साल के बीएड का भी जो है पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आई है, इससे आप लोग कंफ्यूज हो गए हो और आप लोग हमें मैसेज करके ये पूछ रहे हो क्या 2 साल का बीएड बंद हो रहा है, क्या 2 साल का बीएड बंद हो गया। ऐसे इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को मिल रहे हैं कहीं अलग अलग जगहों से, जो कि बिल्कुल गलत है। आज हम इस वीडियो में ये 2 साल और 4 साल के बीएड को लेकर के जो इंफॉर्मेशन आई है, उस पर हम बात करने वाले हैं कि क्या चीजें बोली गई है, आपके लिए है भी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे जब भी कोई इंफॉर्मेशन दी जाए टीचिंग से रिलेटेड, इमीडिएट आप तक जो है पहुंच जाए। अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं और एग्जामिनेशन सिर पे है आपके, तो आप लोग जो है हमारे ऐप से, हमारे कैटलिस्ट सोनी ऐप जो ऑफिशियल ऐप है, वहां से हेल्प ले सकते हैं। वहां पर हमारे जो है बैचेस चलाए जा रहे हैं, नोट्स अवेलेबल है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटीज के नोट्स यहाँ से परचेस कर सकते हैं। सिंपल है, कोर्सेस है यहाँ पर, माई कोर्सेस आएगा और यहाँ पर आपको सर्च बाय नेम यहाँ पे कर देना जिस भी यूनिवर्सिटी का चाहिए। जैसे मैं मान लेती हूँ कि आपको अवध यूनिवर्सिटी का चाहिए, तो अवध को मैंने यहाँ पे डाला। अवध से रिलेटेड जितने भी कोर्सेस यहाँ दिए गए हैं आप देख लो, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, नोट्स, ये सभी हमारे पेड बैचेस चलाए जा रहे हैं। देखो, बैचेस में हम लोग जो है पूरा तो आपको प्रिपरेशन करवाते ही हैं, आप लोग को एग्जामिनेशन के लिए नोट्स प्रोवाइड किया जाता है और साथ साथ में वीकली टेस्ट लिया जाता है और इसके बाद एक फाइनल टेस्ट भी लिया जाता है। तो ये हमारा पेड बैच का मतलब एकदम पूरा जो है, एक बोल सकते हो कि पैकेज होता है, जो आपके बीएड की तैयारी करवाने के लिए, प्रिपरेशन करवाने के लिए पूरी तरीके से सफिशियंट है। तो यहाँ पर आप जो लोग बैच लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप लोग नोट्स लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों को जो है तैयारी करने में हेल्प मिल जाएगी। फ्री नोट्स लेना चाहते हैं उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं, फ्री नोट्स भी यहाँ पर ऐप पर आपके लिए अवेलेबल है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो न्यूज आया हुआ है, इसमें 2 साल के बीएड को 4 साल के कोर्स में बदल सकते हैं, ये न्यूज से बच्चे घबरा गए हैं। उनको लग रहा है कि हमने जो 2 साल का बीएड किया है उसको 4 साल में बदलना है। नहीं, ऐसा कुछ आपके लिए ये है ही नहीं। मैं आपको बताऊं कि ये उन कॉलेजेस के लिए है जो कॉलेज जो है 2 साल का बीएड करवाते हैं, जो यूनिवर्सिटीज 2 साल का बीएड करवाती है, वो लोग जो है 4 साल के बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये बच्चों से इसका लेना देना कोई नहीं है इस इंफॉर्मेशन का, ये यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस से रिलेटेड है। तो अब इसमें आपको लग रहा होगा कि जब यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में जहां पर 2 साल के बीएड हो रहे हैं, क्या वहां पर 2 साल के बीएड बंद होकर के 4 साल का बीएड हो जाएगा? तो देखो, ये डिसीजन तो पहले से लिया गया है कि 2030 तक ये लोग ट्राई करेंगे कि 4 साल का बीएड ही आगे जाकर के टीचिंग फील्ड में रहे, सिर्फ वही ये 2 साल का बीएड, ये डीएलएड, इसको खत्म करने की जो है एक बोल सकते हो प्लानिंग है। इसके लिए आप यहां पर देख सकते हो, नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 के बाद 4 वर्षीय बीएड कोर्स ही शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य अर्हता होगी। 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश भर में कई राष्ट्रीय राजस्तरीय संस्थानों में शुरू किया गया। देखो, मैं आपको बता देती हूँ, 2030 तक ये प्लानिंग चल रही है कि सिर्फ 4 साल का बीएड रहे, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि ये हो जाएगा। अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह देखा जा रहा है कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो बहुत ही अच्छा है। आप खुद भी सोचो, टीचर बनने के लिए एक ही डिग्री रहेगी, डीएलएड बीएड वाला जो झंझट है, डीएलएड वर्सेस बीटीसी, ये बीएड वर्सेस बीटीसी का ये सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये कितना सक्सेसफुल रहेगा। इसमें क्या होगा कि आपको 12th के बाद ही डिसाइड करना होगा कि भाई आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको ग्रेजुएशन एंड बीएड साथ में करना है और आपका 1 साल का टाइम भी बच जाएगा। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जो बच्चे अभी 2 साल का बीएड कर रहे हैं उनकी मान्यता नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आप लोग जब तक ये 2 साल का बीएड करवाया जा रहा है, कर रहे हो, उसकी मान्यता बिल्कुल रहेगी। आप किसी भी टीचिंग वैकेंसी में अप्लाई बिल्कुल कर पाओगे। मैं अपना बताती हूँ, जब मैंने जो है बीएड किया था, तो उसके पहले जो है एक 2013 से 2015 के बीच में बीएड जो है 1 साल का हुआ था।
एक साल का बीएड जिस जिस स्टूडेंट ने किया है कि आज उनको मान्यता नहीं मिली है, जो भी वैकेंसीज आती है उसमें लिखा हुआ तो रहता है कि 1 ईयर बीएड वाले भी जो है एलिजिबल है, तो ये ऐसा नहीं है। आप लोगों को जब भी जो है वैकेंसीज आएगी, 2 साल का बीएड बिल्कुल वैलिड रहेगा, ये दिमाग में लेकर के मत चलो। और बाकी जो चैनल्स पे आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल गुमराह होने की जरूरत नहीं है। 2030 तक आपको कोई छू भी नहीं सकता है। आप लोग जिस तरह से कर रहे हो वो करो। जो नए बच्चे आएंगे जिन्होंने 12th किया है और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे, वो 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स में जाएंगे, आप लोग का कोई टेंशन ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ ये न्यूज है किस बारे में। 2 साल के बीएड को 4 साल के कोर्स में बदल सकते हैं कॉलेज। ये कॉलेज यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट है। कॉलेज वाले अप्लाई कर सकते हैं। 26 मार्च का डेट दिया गया है लास्ट डेट। एनसीटी की दो तरफ से जो है ये नोटिस निकाला गया है कि 26 मार्च तक जो है कॉलेज वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग जो है 2 साल का बीएड करवाते हैं वो 4 साल के बीएड के लिए, लेकिन इसमें इनको इनके लिए जो है एक कंडीशन रखा गया है कि उनके पास ग्रेजुएशन यानी कि बीए बीएससी पढ़ाने का भी होना चाहिए, वहां पे टीचर्स होने चाहिए, पूरी फैसिलिटीज होनी चाहिए, तब जाकर उनको मान्यता मिलेगी। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। संस्थानों में बीए या बीएससी में से किसी एक विषय की पूरी पढ़ाई के लिए जरूरी शिक्षकों व संसाधन की व्यवस्था करेंगे, तभी एनसीटी के द्वारा उन्हें नामांकन की मान्यता प्रदान की जाएगी। एनसीटी की टीम मान्यता से कॉलेज का विजिट करेगी, मतलब जो मान्यता देने से पहले, एफिलिएशन देने से पहले जो है वहां पर सुपरवाइज करने के लिए टीम जाएगी, वो देखेगी कि प्रॉपर फैसिलिटीज है या नहीं। तो ये टोटली जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में आवेदन दे सकते हैं। एनसीटी ने 26 मार्च तक इसके लिए मौका दिया है। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में बीए बीएड बीएससी बीएड शामिल है। 4 वर्षीय बीएड कोर्स की मान्यता लेने के लिए यह जरूरी है कि वो पहले से सिर्फ बीएड कोर्स करा रहे थे और वो अब अपने संस्थान में जो है ग्रेजुएशन यानी बीए या बीएससी का भी कोर्स के लिए उनके पास टीचर्स और संसाधन जो है अवेलेबल हो, तभी जाकर के उनको मान्यता मिलेगी। तो यही चीजें जो है ये दी गई है, या आप लोगों से बिल्कुल मतलब नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी में रहिए, जैसे तैयारी कर रहे हो, एग्जामिनेशन सिर पे है, तो ये आप लोगों को सोचना भी नहीं है कि हमें जो है किस तरह से तैयारी किस तरह ये होगा या नहीं होगा, ये चीजें जो है दिमाग में लेकर के नहीं चलनी है। ठीक है, चलिए, कोई और अपडेट इसके बारे में आएगा या फिर आप लोगों को कोई सजेशन चाहिए तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। टिल देन टेक केयर।